हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों तो एक बार फिर से आज मैं आ गया हूँ मुंबई के वर्ली इलाके में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीत के लाने वाले भारत के कप्तान रोहित शर्मा का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे, वीडियो को लास्ट देखते रहना। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मुंबई के वर्ली इलाके में और आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग का नाम है आहूजा टावर और इसी बिल्डिंग के 29वें फ्लोर पर रहते हैं हमारे देश के महान क्रिकेटर, जो कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीत के लाने वाले भारत के कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं रोहित शर्मा इसी बिल्डिंग में 29वें फ्लोर पर इनका फ्लैट है। आपको बता दें कि इन्होंने इस बिल्डिंग में फ्लैट 2015 में ख़रीदा था। अभी उस बिल्डिंग का प्राइस है, उनके फ्लैट का प्राइस है 30 से 35 करोड़ रुपए, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दिखाई देता है। और यह है मेन गेट जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये छोटा छोटा जो ये देखिए पार्किंग एरिया भी यहाँ पर है। और ये जो सामने घड़ी दिखाई दे रही है, इसी घड़ी के मेन गेट से रोहित शर्मा जी यहाँ से आते और जाते रहते हैं। आपको बता दें रोहित शर्मा जी तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में कप्तान रहे हैं और उनकी कप्तानी काफ़ी अच्छी रही है। हाल ही में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत के लाया भारत, और आप लोग देखें कि मुंबई में विक्ट्री परेड कैसे निकाला गया था, जो कि 30 से 35,000 पब्लिक रोड पे आके उनका स्वागत किए। और यही है उनका घर। आपको बता दें कि उन्होंने 2007 में T20 एंड वनडे में डेब्यू किया था और 2013 में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में हुआ था। अभी वो मुंबई में, यहाँ पर देखिए इस बिल्डिंग में 2015 में ये फ्लैट परचेस किए हैं और यहाँ पर रहते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है विशाल शर्मा, और इनकी काफ़ी दिक्कत रही है बचपन में जब वो नागपुर में रहा करते थे। और उनकी माँ का नाम है पूर्णिमा, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से हैं, और उनके फादर का नाम है गुरुनाथ शर्मा। आपको बता दें उनकी शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 2015 में यहाँ पर इस बिल्डिंग में घर खरीदा और आज उस बिल्डिंग की कीमत है 35 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी पॉश इलाके में है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और जब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पीछे का नज़ारा है, यानी कि बिल्डिंग के पीछे का नज़ारा है, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जब रोहित शर्मा यहाँ से कुछ पोस्ट डाला करते थे, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी देखे रहेंगे, ये वर्ली के यहाँ से अगर पीछे से देखेंगे तो वर्ली सीलिंग पूरा दिखाई देता है यहाँ से, इसीलिए यहाँ से ही उन्होंने अपने फ़ोटो और वीडियो यहाँ से पोस्ट करते थे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है जब वर्ली बांद्रा सीलिंग का जो ब्रिज है वो यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ये है बैक साइड का एरिया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टैक्सी वगैरह खड़ी हुई हैं और बाजू का बिल्डिंग है आपको देख सकते हैं। और ये देखिए ये पीछे बैक साइड का एरिया है और इसी बिल्डिंग के 500 मीटर दूरी पर है विराट कोहली सर का घर, जो कि उसको भी कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि उनके घर का भी वीडियो आप लोग देख सकें। और यहीं पर ये देखिए यहाँ का पीछे का नज़ारा है, और दूसरे दिन जब हम जाएंगे वहाँ पर विराट कोहली के घर की शूटिंग करने के लिए, तभी आप लोग को दिखाएंगे कि वहाँ का नज़ारा कैसा है और क्या दिखाई देता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम में आप लोग देखे हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, जो कि आप देखें कि रोहित शर्मा का घर कहाँ पर है और यह प्रभा देवी वेस्ट यानी कि वर्ली इलाके में पड़ता है। आप देख सकते हैं गाइस कि इनकी बिल्डिंग यही है और यहीं पर ही रोहित शर्मा जी अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हैं। तो गाइस ये उनके बिल्डिंग का दूसरा गेट है, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दूसरा गेट है जहाँ से कुछ गाड़ी वाड़ी का पार्किंग वगैरह जहाँ से होता है, यहाँ से एंट्री होती है गाड़ी के पार्किंग के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर भी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं और फोर व्हीलर खड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा गेट का नज़ारा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग ने देखा कि रोहित शर्मा का घर कहाँ पर है और कैसा दिखता है। तो गाइस इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अगला नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।